छत्तीसगढ़ में एक मंदबुद्धि महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। महिला के चीखने चिल्लाने पर लोग मौके पर पहुंचे तो देखा एक व्यक्ति महिला के साथ संदिग्ध हालत में मिला। पुलिस ने मौके पर पहुंचने से पहले आरोपी मौके से फरार हो गया। एक रिपोर्ट देखिए। मानवता को शर्मसार करने वाली यह तस्वीर रतनगढ़ के लोहा से सामने आई, जहां दरिंदों ने एक मंदबुद्धि महिला की अस्मिता को तार तार कर दिया। अब ऐसी घिनौनी वारदात को सुनकर शर्म भी शर्मसार हो जाएगी। दरअसल मंदबुद्धि महिला सड़क के किनारे बैठकर खाना खा रही थी, तभी एक युवक उसके पास पहुंचता है, महिला का नाम पूछता है। महिला अपना परिचय देते हुए बताती है कि श्री डूंगरगढ़ के मोमासर की रहने वाली है। इसके बाद वह खाना खाकर भोजासर के लिए निकल जाती है, लेकिन नियति को क्या ही पता था कि इंसान का जमीर इस कदर मर जाएगा कि एक ऐसी महिला जिससे अच्छा बुरा सही गलत का फर्क तक नहीं पता, इसकी इज्जत को भी तार तार होना पड़ेगा। ये रात करीब 1 बजे थाने पे सूचना मिली थी, डीओ मौके पे गया। एक होटल है जो लोहा से सुजानगढ़ की तरफ है, वहाँ पर पता चला कि ड्राइवरों ने वगैरह ने बताया कि एक औरत है मंदबुद्धि की, जिसके साथ रेप हो गया है। इस पे उस औरत से पूछताछ की गई लेडीज कांस्टेबल के जरिए, पता किया गया तो जो मोमासर डूंगरगढ़ की रहने वाली है वहाँ से तस्दीक की, तो ये सही बात सही पाई गई। तत्पश्चात उस औरत के अभी कार्रवाई मौका कर रहे हैं और मेडिकल मुआयना करवाएंगे और फिर अग्रिम कार्रवाई करेंगे। मुकदमा दर्ज दौलाराम की तरफ से कर लिया गया। महिला के भोजासर निकलने के कुछ देर बाद ही चीखने चिल्लाने की आवाज आई। इसके बाद होटल मालिक मौके पर पहुंचे तो नजारा देखकर हक्के बक्के रह गए। आरोपी उस महिला के साथ संदिग्ध अवस्था में पाया गया। फिलहाल आरोपी मौका देख घटनास्थल से फरार हो गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़िता को थाने लेकर आई। अब ऐसे में सवाल यह खड़ा होता है कि देश में महिला सुरक्षा के बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन जब इस तरह के अपराध के आंकड़ों पर नजर जाती है, सरकार की दावों की पूरी तरह पोल खुल जाती है। वहीं दूसरी तरफ आरोपियों में कानून का भय पैदा करने के लिए इस तरह के अपराध में कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान किया जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इंसानों की तरह नाग नागिन की प्रेम की किस्से तो हर किसी ने सुने होंगे, लेकिन कोई नागिन अपने नाग के लिए प्राण त्याग कर सकती है, इसकी कथा शायद ही आपने सुनी होगी। ऐसा अद्भुत मंदिर कोटा के अलावा पूरे विश्व में कहीं भी नहीं है। देखिए खास रिपोर्ट। नाग नागिन के प्रेम के किस्से से तो आप वाकिफ हैं, लेकिन क्या आपने नाग के लिए प्राण त्याग कर नागिन के सती होने की कहानी सुनी है? नहीं ना, तो आज हम आपको ऐसी ही एक कहानी से रूबरू कराते हैं। यह सच्ची घटना कोटा की है, जहां नाग नागिन का मंदिर बनाया गया है और यह मंदिर लोगों की आस्था का प्रतीक है। लोग श्रद्धा भाव से यहां आते हैं, मन्नतें मांगते हैं और नाग नागिन के दर्शन करके खुद को सौभाग्यशाली मानते हैं। यह मंदिर कोटा के कोटड़ी में स्थित है। भक्तों का दावा है कि देश और प्रदेश में ही नहीं बल्कि नाग नागिन का अपने आप में खूबसूरत लोकेशन पर स्थित ऐसा अद्भुत मंदिर कोटा के अलावा पूरे विश्व में कहीं पर भी नहीं है। आज नाग पंचमी है, लोग नाग काल सब दोष को भी उतारते हैं। आज बहुत से आ रहे हैं जो नाग बाबा की मूर्ति चढ़ा रहे हैं यहाँ पर, जिससे नाग दोष का निवारण भी हो रहा है और जिनके नाग बाबा डस लेते हैं उनका भी यहाँ पर हो जाता है बंदोबस्त। और आज विशेष दिन है नाग बाबा का, इसलिए यहाँ पूजा अर्चना की गई है। 51 लीटर दूध से अभिषेक हुआ है। आ रहे हैं तो बरस ही हो गए, उनको कम से कम है ना 40 साल हो गए मेरे को तो देखते हुए। वो बहुत पुराना मंदिर और बहुत अच्छा मंदिर है, ये कि आस्था हमारी जुड़ी है नाग देवता की, एक बार ऐसा कोई केस हुआ है यहाँ। अब आपको इस मंदिर के पीछे की कहानी बताते हैं। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि साल 1984 में कोटड़ी नहर के किनारे एक नाग बैलगाड़ी की चपेट में आ गया था। कुछ देर तड़पने के बाद सर्प की मौत हो गई। इसके बाद नागिन वहां पर पहुंची और सांप के सिरहाने जाकर बैठ गई। करीब 1.5 घंटे बाद जब लोगों ने नागिन को हटाकर सांप के शव को नहर में फेंकने की कोशिश की तो पता चला कि नागिन ने भी दम तोड़ दिया है। यहाँ पे मतलब एक बैलगाड़ी यहाँ से जा रही थी, उसके नीचे सांप नाग बाबा का जोड़ा था, वो दोनों उसके नीचे आ गए थे। तब से ही
यहाँ की लोगों की आस्था इस कदर बढ़ती जा रही है और आने वाले टाइम पे और ज्यादा बढ़ेगी। मतलब नाग की उस समय डेथ हो गई थी। हाँ, दोनों दोनों नागिन ने भी उसके वियोग में यहाँ पे दम तोड़ दिया था। तो उसका दम तोड़ने के बाद ही उसने यहाँ पे रास्ता जाम कर दिया था और उसके जो ट्रॉली थी उसके अंदर जो ईंटें भरी हुई थी वो यहीं गिर गई थी। वो जब से फिर यहाँ का मंदिर का निर्माण चल रहा था तो उसकी आग देखते देखते आगे भव्य निर्माण बढ़ता जा रहा है। यह खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई। जिसने भी इस घटना को सुना वो हैरान हो गया। हो भी क्यों ना, मामला ही कुछ ऐसा था। फिलहाल उसी स्थान पर विधि विधान से नाग नागिन का अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार के बाद भगवान भक्तों ने नागिन की याद में नाग नागिन का मंदिर भी निर्माण कराया, जो आज लोगों की आस्था का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। सवाई माधोपुर के बोली में पुलिस टीम ने बजरी चोरी प्रकरण को लेकर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। इस दौरान पुलिस टीम ने एमएमडीआर के तहत चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि उक्त मामले में आरोपियों के खिलाफ 15 मार्च को प्रकरण दर्ज हुआ था। वहीं कार्रवाई के दौरान 5 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किए गए थे। सवाई माधोपुर के मालालरा ड्रंगर थाना में पूरी पहाड़ी गांव में उस वक्त सनसनी फैल गई जब मामूली से आपसी विवाद को लेकर सरपंच जगमोहन मीणा के भतीजे लखन मीणा ने गांव के ही एक युवक पर फायरिंग कर दी। फायरिंग में हाथ में गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे परिजनों ने घायल अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे जयपुर रेफर किया गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर तफ्तीश में जुट गई है। वहीं जालौर में रीट परीक्षा में 24 जुलाई को चौथी पारी में प्रश्न पत्र की कॉपी या फाड़ कर ले जाने वाले परीक्षार्थी को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने तकनीक के जरिए ढूंढ निकाला। सोशल मीडिया पर वायरल हुए पेपर के क्यूआर कोड के जरिए बोर्ड ने जांच कर पुलिस की मदद से परीक्षार्थी श्रवण खान को रानीवाड़ा के वगतपुरा गांव से गिरफ्तार किया। आरोपी ने पेपर के कुछ पन्ने फाड़ कर बाकी पुस्तक जमा कर दी थी और 25 जुलाई को इन पत्रों को वायरल कर दिया गया था। यह पहला मौका है जब किसी आरोपी के खिलाफ नए नकल कानून राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती अधिनियम 2022 के तहत कार्रवाई की गई। पुलिस ने आरोपी को एक दिन की पुलिस रिमांड के बाद उपयोग में लिए गए मोबाइल को जब्त कर कोर्ट में पेश किया, जहां उसे जेल भेज दिया गया। वहीं जयपुर के रेनवाल में मंडा भीम सिंह बस स्टैंड पर खड़े युवक पर अज्ञात ने धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और उसके सिर पर गंभीर चोटें आई हैं। घायल युवक को रेनवाल सीएचसी में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां उसे जयपुर रेफर कर दिया गया। वारदात की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी ली और केस दर्ज कर मामले की जाँच में जुट गई। वहीं कोटा के रामगंज मंडी में नागपंचमी पर एक घर के बाहर 5 फीट लंबा सांप आने से लोगों में भगदड़ मच गई। कॉलोनी वासियों ने घर के बाहर पत्थरों में बैठे सांप को बिना नुकसान पहुंचाए भगाने का प्रयास किया। कॉलोनी वासियों ने बताया नगर पालिका ने सड़क निर्माण तो कर लिया लेकिन नालियां नहीं बनाई, जिससे आए दिन जहरीले जानवर घूमने से जान पर बनाई है। कई बार बोलने पर भी नालियों का निर्माण नहीं हुआ, जिससे समस्या बनी हुई है। जीव जंतुओं की दहशत से बच्चों को घर के बाहर भी नहीं खेलने दिया जा रहा। जोधपुर की ओसिया में लंपी स्किन बीमारी की रोकथाम के लिए सामाजिक संगठन अपने स्तर पर कोशिश कर रहा है। गोपाल गौशाला में लंपी वायरस से बचने को लेकर फिटकरी और नीम के पत्तों के पीस कर स्प्रे बनाकर गायों पर छिड़काव किया गया है। काजूवाला में प्रधानाचार्य साथ हुई मारपीट करने वाले अध्यापक को बर्खास्त कर उसे गिरफ्तार करने की मांग को लेकर ग्रामीणों और विद्यार्थियों ने स्कूल की तालाबंदी कर स्कूल के आगे अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। घटना के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक आरोपी शिक्षक ईश्वर राम गुदारा समेत अन्य आरोपी गिरफ्तार नहीं होते हैं, तब तक विद्यार्थियों का धरना जारी रहेगा।
वहीं पुलिस ने यह भी बताया कि पीड़ित प्रधानाचार्य जब स्कूल से सूरतगढ़ आ रहा था उस वक्त रोड पर 10 से 12 लोग हाथों में सरिया और रॉड लेकर खड़े थे। शिक्षक ईश्वर राम ने उन्हें रोका और मारपीट शुरू कर दी। कोटा के टावर में एक शख्स ने अपनी ही विधवा बहू को हवस का शिकार बना लिया। आरोपी शख्स रिश्ते में पीड़ित का फूफी ससुर लगता था। आरोपी शख्स महिला को बहन से मिलवाने के लिए बाइक पर ले गया था और सुनसान घर में जाकर दुष्कर्म कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी शख्स को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल आगे की कार्रवाई जारी है। सवाई माधोपुर के भूरी पहाड़ी गांव में सरपंच जगमोहन मीणा के भतीजे लखन मीणा ने विजय मीणा पर फायरिंग कर दी। इस दौरान विजय मीणा के हाथ में गोली लग गई और वो घायल हो गए। फायरिंग की वजह आपसी रंजिश बताई जा रही है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए।